नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही कि आपके सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं, तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम से रिलेटेड आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑफिशियल लेटर जारी किया गया, इसमें परीक्षा में क्या बदलाव जारी किया गया है और टेंथ और ट्वेल्थ की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए एक लेटर जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो किस प्रकार से होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो डालें सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहां पर आप देख सकती हैं, ये 9 तारीख को जारी किया गया लेटर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा यह जारी किया गया। इसमें उन्होंने बताया गया है कि हायर सेकेंडरी व्यावसायिक हाई स्कूल पूरक परीक्षा की परीक्षाएँ दिनांक 14/9/2020 से प्रारंभ होकर 22/9/2020 को समाप्त होंगी। इसके रिगार्डिंग उन्होंने इस नोटिस में कुछ ऐसी बात बताई है जो छात्रों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। उन्हें क्योंकि आप सभी को पता है कोविड चल रहा है, इसकी वजह से उन्होंने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो बताया गया है, चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी व्यावसायिक एवं हाई स्कूल पूरक परीक्षा की परीक्षा इस वर्ष दिनांक 14/9/2020 से प्रारंभ होकर 22/9/2020 को समाप्त होंगी। छात्रों की बैठक व्यवस्था कोविड-19 के तहत करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। परीक्षा की लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए सभी 51 जिलों में जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपके जो 51 जिले हैं वहाँ पर जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर आपके परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष हाई स्कूल पूरक परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए 419 और हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों के लिए 430, यहाँ पर व्यावसायिक परीक्षा के लिए 58 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल पूरक परीक्षा में यहाँ पर देख सकते हैं इतनी संख्या और पूरक परीक्षा में इतनी संख्या बताई गई है। ठीक है, जो छात्र सम्मिलित होंगे यहाँ पर छात्रों की संख्या बताई गई है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप इसके जो प्रवेश पत्र जारी होंगे, तो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, www.mpbsc.mponline.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब भी इसके एडमिट कार्ड आते हैं सबसे पहले हम आपको बता देंगे, तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रायोगिक विषय के पूरक पात्र छात्रों की परीक्षा उसी दिन प्रातः सैद्धांतिक प्रश्न पत्र अब होगा आपके मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए, मात्र पाइए 3 सेकेंड उसका वीडियो सॉल्यूशन। अब क्लास 6 से 12 तक और नीट आईआईटी जीमेंस और एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करिए। डाउट संपन्न होने के पश्चात करवा ली जाएगी, शाम को उसके बाद करवा ली जाएगी। ठीक है, तो आपके जो भी प्रायोगिक विषय हैं उनके उसी दिन परीक्षा करा ली जाएगी। अतः छात्र सतत संबंधित केंद्र अध्यक्ष से संपर्क में रहें, तो आपके जो भी केंद्र के अध्यक्ष रहेंगे वो आपको उनसे संपर्क में रहना है। उक्त परीक्षा की समय सारिणी मंडल की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध रहेगी, जैसा कि आप पहले हमने आपको टाइम टेबल बता दिया है। तो दोस्तों, आज इस गाइडलाइन को आप जरूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।